1978 में दुनिया में पहली बार एक बच्ची ने जन्म लिया था। उसका जन्म कैसे हुआ? उसका जन्म हुआ था IVF से। उससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि कुछ कर पाए, नहीं हो पा रहा था। तो उस दिन 1978 में लुईस बॉर्न का इंग्लैंड में जन्म हुआ था। और उसके बाद से ये दिन हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा बेंचमार्क बन गया कि वो महिलाएं, उस महिला की ट्यूब बंद थी दो, तो वो महिलाएं जिनकी ट्यूब बंद है उनके रास्ते बंद नहीं हुए हैं, आप IVF से उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। अब 1978 से लेके 2024 हो गया ना, ये इसके अंदर इतनी सारी एडवांसमेंट आ गई है, इतनी सारी उपलब्धियां और इतनी सारी जिसे कहते हैं ना कि इनोवेशन हो गई हैं कि अब हम ये कहते हैं कि हर महिला माँ बन सकती है। मैं एक चीज़ आप सबसे पूछना चाहूँगी, IVF क्या लगता है आपको, नेचुरल है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, आप लोग क्या कहती हैं, IVF क्या लगता है आप? गाँव में क्या कहती हैं औरतें, क्या कहती हैं? बहुत से लोग क्या कहते हैं गाँव में, तो मैडम कहती है कि इंजेक्शन लगवा रहे हैं। हाँ देखो, इंजेक्शन लगवा था बहुत जाएगा, तो कम से कम इतनी एडवांस हुई कि उसको पता चला इंजेक्शन लगने से IVF होता है। आपके अंदर की डर, यही चीज मैं आज मऊ में भी बोलकर आई हूँ, यही मैं आपको भी बोल रही हूँ, ये जो डर, ये जो शर्म और ये जो हिचकिचाहट है किसी को कहने की कि मैंने IVF से बच्चा किया है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि IVF एक नेचुरल प्रक्रिया है, समझे आप, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है कि मैंने मार्केट से अंडा खरीदा, मार्केट से बीज खरीदा और घुटघुट घुटघुट मिला के आपके अंदर डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। महिला का ही अंडा है, पुरुष का ही बीज है, बस ट्यूब में जहाँ बच्चे को मिलके एक एम्ब्रियो बनता है या भ्रूण बनता है, वो नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, तो वो भ्रूण मैंने बाहर बनाया फिर बच्चेदानी में डाल दिया, तो क्या अननेचुरल है इसमें, बताएंगे आप मुझे? इसीलिए IVF को ARTI का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि नेचुरल चीज में हल्की सी कहीं कुछ कमी हो रही है तो उसको हम सिर्फ, जैसे कि ब्रिज बना हुआ है बीच में हल्का सा टूटा है तो हमने वहां मरम्मत कर दी है, ब्रिज तो पूरा आपका पूरा नहीं है। तो इस झिझक से बाहर निकलिए कि ये प्रक्रिया सही नहीं है, ये प्रक्रिया अमान्य है, या अरे ये तो अलग ही होंगे, अरे ये तो IVF तो बच्चे ही पता नहीं कहाँ से, वो स्पेस में वो पता नहीं कहाँ से उड़ के आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, जिस महिला की, उसकी 1978 में पैदाइश हुई, तो उसकी उम्र इस समय कितनी होगी? उसकी उम्र इस समय 44 से ऊपर है, उसके ऑलरेडी दो बच्चे हैं उसके, तो ये आप समझ लीजिए कि उसके बाद वो तो जरूर IVF हुई पर वो बिल्कुल सामान्य है, अपनी जिंदगी जी रही है और उसके भी बच्चे नॉर्मल हुए हैं। तो हमें ये खुशी है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ आपके बीच ला सके हैं और हम यहाँ आपके लिए काम कर रहे हैं, और उन सभी लोगों को, सभी कपल्स को जिनको बच्चा रुकने में मुश्किल हो रही है, उनकी हम मदद कर रहे हैं। IVF में खाली जिनके ट्यूब बंद है, जिनके अंडे नहीं बन रहे हैं, जिनके अंडे खत्म हो गए, आदमियों के बीज नहीं है, और यहाँ तक कि अगर कोई जेनेटिक परेशानी है, वो लोग जिनके बच्चे बार बार गिर जा रहे हैं, उम्र 35-36 से ऊपर हो गई, बच्चे बार बार गिर जा रहे हैं, कुछ भ्रूण में एम्ब्रियो में जेनेटिक कमी आ गई है, तो उन सबका इलाज और उन सबको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और उसमें से सही चीज को लेके काम किया जा सकता है और हर महिला को गर्व हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इस सेंटर की शुरुआत हमने अभी 3 महीने पहले की है और अभी तक हमने कितने 12-15 ऐसे मरीज हैं, 15 मरीज ऐसे हैं जिनके लिए हमने IVF की प्रक्रिया की है। उन 15 मरीज में से 13 मरीजों के बच्चे बिल्कुल सलामत आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमको बहुत खुशी है कि हमारा यहाँ का सक्सेस रेट मऊ के सक्सेस रेट से भी ज़्यादा है। और यही नहीं,
यहाँ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास हम लोगों को चाहिए। मेरी टीम पूरी आपके लिए खड़ी हुई है, हमारी डॉक्टर ब्यूटी, डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर शिवा, जो इतनी दूर से सिर्फ एक आप लोगों की स्कैन के लिए आते हैं, जो सीनियर्स यहाँ को देखते हैं, अतुल जी, गौरव जी, गीता, हमारी बाकी की प्यारी सिस्टर्स, दे ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट। माया जो कि एंड्रोलॉजी में है, जो आपके जो सीमन की एनालिसिस करती है, सब आपकी मदद के लिए यहाँ है कि आपके लिए हम अच्छा काम कर सकें। और हम ये भी चीज़ आपको बता सकते हैं कि हम कहना चाहते हैं आपसे कि हम भगवान नहीं हैं कि मैंने पहली बार में किया और आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। हम चाहते हैं कि सबकी रुके, लेकिन बहुत बार होता है पहली बार में नहीं रुकती है या रुकी खराब हो जाती है, तो हिम्मत ना हारे और विश्वास ना छोड़े। ये हम आपके साथ जरूर बता सकते हैं, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको गर्भ रुके और अमूमन औरतों को दूसरी बार में या तीसरी बार तक प्रेगनेंसी रुक जाती है। सो वी सेलिब्रेट IVF डे आप सबके साथ। थैंक यू हम लोगों को ट्रस्ट करने के लिए, विश्वास करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए क्या कहते हैं, तारे जमीन पे तोड़ के ले आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।